स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, उसके बाद उनके नोमेनक्लेचर और मेथड ऑफ फॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कि साइक्लोएल्केन्स क्या है। तो जो साइक्लोपैराफीन्स है या फिर इसे साइक्लोएल्केन्स भी कहते हैं, इसके अलावा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, आर द क्लोज चेन। साइक्लोएल्केन्स के ही नाम है सारे, साइक्लोपैराफीन, साइक्लोएल्केन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये सारे के सारे क्या है, साइक्लोएल्केन्स के ही डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, क्या होते हैं ये, अ क्लोज चेन। साइक्लोएल्केन्स आर क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड होते हैं, हैविंग अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं एट ईच कॉर्नर ऑफ द रिंग। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने नाम कह सकते हैं इसे, साइक्लोपैराफीन, साइक्लोएल्केन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स वगैरह इन्हें कहते हैं हम। ठीक है, क्या होते हैं, क्लोज रिंग होती है और रिंग के कॉर्नर्स पर जो है एक एक कार्बन होता है और कार्बन आपस में जो है सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं साइक्लोएल्केन में। राइट, ये तो थी डेफिनेशन कि साइक्लोएल्केन्स एक्चुअल में होते क्या है। अब देखते हैं इनका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। वैसे जो नॉर्मल नेम है, बेसिक नेम होते हैं, वो तो हम इसे जैसे कि साधारण नाम हम कहें, ओके, नॉर्मल नेम, तो वो हम कहेंगे, इसे कहेंगे, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, चार है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे टेट्रामिथिलीन। क्या कहेंगे इसे, जो साधारण नाम है उसे कहेंगे टेट्रामिथाइलीन, टेट्रामिथाइलीन। क्योंकि अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें आप, तो कार्बन हाइड्रोजन लिखते हुए लिखूं मैं इसको, तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब ये एक ग्रुप जो है वो क्या है, ये मिथाइलीन ग्रुप है, ये क्या है, मिथाइलीन ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही मिथाइलीन ग्रुप यहाँ कितने हैं, चार है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे टेट्रामिथाइलीन, साधारण नाम। इसे कहेंगे साधारण नाम इसका क्या होगा, पेंटामिथाइलीन, इसका होगा ट्राइमिथाइलीन, हेक्सामिथाइलीन। ठीक है, इस तरह से इनके नाम दिए जाते हैं नॉर्मल। पर अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इनके आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इनका नाम क्या होना चाहिए। ओके, तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो है हम इनको कहेंगे साइक्लो, जो, और फिर उसके बाद हमेशा देखो नाम जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग उसका जो है वो प्रीफिक्स तो लगेगा। ओके, तो यहाँ पे सबके आगे सफिक्स क्या लगेगा, वो लगेगा साइक्लो, साइक्लो। उसके बाद चार कार्बन है तो ये क्या होगा, ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ओके, इसी तरीके से आईयूपीएसी में इसका नाम लिखना है हमें, तो हम इसे कहेंगे, सबसे पहले साइक्लिक फॉर्म है ये, हम इसे कहेंगे साइक्लो, ये तो लिखना ही है आपको। फिर पांच कार्बन है तो हम कहेंगे पेंटेन, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। इसी तरीके से साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से इनका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है, साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के और कंपाउंड्स हैं, जैसे कि ये भी साइक्लो कंपाउंड ही आपके, पर यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, कुछ साइक्लिक आपके स्ट्रक्चर है उस पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो फिर इनका नाम देना भी जरूरी है साथ में। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी होते हैं, हम जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, सब्स्टिट्यूएंट आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तो सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिसको सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे वो ये है हमारा, ये CH2CH3, यानी कि ये क्या है, इथेन ग्रुप है, C2H5 कह सकते हैं, ये क्या है, इथिलीन ग्रुप है, और ये क्या है, ये आपका मिथाइलीन ग्रुप है। ओके, मिथाइलीन ग्रुप है, तो यहाँ पे अगर ये इथाइलीन ग्रुप है और ये मिथाइलीन ग्रुप है, तो अल्फाबेट के हिसाब से कौन पहले आएगा, इथाइलीन पहले आएगा। यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं, ये आपका बड़ा ग्रुप है तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, राइट, या फिर सॉरी ये इस तरह से नहीं होगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे, इसको तो 6 मिल जा रहा है तो इसके अपोजिट जाएंगे हम यहाँ पे,
तो इसको मिलेगा यहाँ पे, इसको 1 दे दिया, ये बड़ा ग्रुप है, इसको मिला 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो अब देखते हैं अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन आएगा, इथिलीन को पहले लिखेंगे। कितनी पोजीशन पे रखा हुआ है वो, कितनी पोजीशन पे है वो, फर्स्ट नंबर पे है। ओके, फर्स्ट नंबर कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 1 इथाइलीन, इथाइलीन 2 मिथाइलीन, और उसके बाद कितने कार्बन है ओवरऑल हमारे जो साइकिल फॉर्म है इसमें, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इसका नोमेनक्लेचर आप खुद करना, ठीक है, ये आप होमवर्क मान लो अपना, इसका नोमेनक्लेचर खुद करना। एक यहाँ पे एक और एग्जांपल है, उसका नोमेनक्लेचर मैं बताती हूँ कि आईपिक नेम क्या होगा यहाँ पे। तो हम कभी भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, सबसे लंबी चेन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इस पे सब्सट्रेट लगा हुआ है वो ये है, पर यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन क्या है आपको दिखेगा कि इस लॉन्गेस्ट चेन पर ये जो है सब्सट्रेट लगा हुआ, कि इसके पास तो 4 ही कार्बन है, ठीक है, पर यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे आपके पास 5 कार्बन है, यहाँ पे कितने हैं 5 कार्बन। तो फिर इसको हम सेलेक्ट करेंगे पहले और इस हिसाब से फिर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करके अब जो है ये, क्योंकि इसके पास कार्बन कम है तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट यहाँ पे हम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कितनी पोजीशन पे, 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, साइक्लो ब्यूटेन है, और ग्रुप के फॉर्म में लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूट तो साइक्लो ब्यूटाइल। ओके, तो लिखेंगे हम 2 साइक्लो ब्यूटाइल, और फिर कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे साइक्लोब्यूटाइल, तो एज ए सब्स्टिट्यूट लिखा है हमने 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, ठीक है, 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है, राइट। अब यहाँ पे एक 7th नंबर आप होमवर्क में करेंगे, इसके अलावा जो है 8th नंबर भी आपका होमवर्क है, 9th नंबर भी आपका होमवर्क है, इसका भी नोमेनक्लेचर करेंगे आप खुद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 10th नंबर जो है इसका देखते हैं हम कि इसको किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है बेंजीन को जो मेजर प्रायोरिटी दी जाती है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस 10th नंबर का अगर मुझे नोमेनक्लेचर करना है तो मैं यहाँ पे ये जो साइक्लो फॉर्म है उसको एज सब्स्टिट्यूट यूज करूंगी, ठीक है। अगर बेंजीन पर कोई भी साइक्लिक रिंग लगी हुई है तो वो बेंजीन का व्युत्पन्न कहलाएगी। ओके, तो फिर उस टाइम पे हम जो है नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ तो हम यही लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन, इस तरह से, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसका आप खुद करना नोमेनक्लेचर, ये एक और होमवर्क यहाँ पे लिख लो आप, इसका आप नोमेनक्लेचर करना कि इसका आयुपिक नेम क्या होगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं रिंग प्रोडक्ट, कि रिंग जो होती है सॉरी कुछ डिफरेंट टाइप के, जो अगर एक से ज्यादा साइकिल हो, अब तक तो हमने क्या देखा है कि अगर साइकिल साइक्लिक जो हमारा साइक्लो एल्केन है अगर वो सब्स्टिट्यूट के रूप में हो तो किस तरह से नोमेनक्लेचर होता है, या फिर हमारा जो साइक्लो एल्केन है उस पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ हो तो किस तरह से नोमेनक्लेचर होता है, वो हमने अभी तक देखा है। अब देखते हैं कि एक ही कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा साइकिल्स प्रेजेंट है तो उस केस में हम नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। जैसे कि 11th नंबर आपका एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 जो है वो साइकिल है, एक साइकिल तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा साइकिल ये रहा, दूसरा साइकिल ये रहा। ओके, अब ये जो 2 दे रखे है ना यहाँ पे, तो इसका नोमेनक्लेचर फिर आप कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले अगर सबसे पहले यहाँ पे नोमेनक्लेचर करने के लिए देखेंगे कि साइकिल कितने हैं, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 ही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई साइक्लो। सबसे पहले लिखना है आपको बाई साइक्लो नोमेनक्लेचर के केस में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई साइक्लो, क्योंकि यहाँ पे 2 साइकिल है, ठीक है।
पाई साइक्लो लिखने के बाद आप देखेंगे कि इन दोनों साइकिल के बीच में यहाँ पे ब्रिज कौन बना रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों साइकिल में कॉमन है, ठीक है। और इस साइकिल सॉरी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे दो कार्बन आ रहे हैं। इधर से जाओ तो यहाँ पे भी दो कार्बन आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और इधर से सीधे जाओ तो यहाँ पे एक कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो दो दो और एक कार्बन। तो अब यहाँ पे इनको लिखने का भी एक तरीका है, ठीक है। कोष्टक में इनको इन कार्बन्स के नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे दो कार्बन है तो दो लिखूंगी पहले, फिर एक और, फिर कॉमा लगाना है आपको बीच में, फिर वापस से दो कार्बन लिखना है, फिर वापस से एक कार्बन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जो इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहे हैं दोनों कार्बन, ठीक है, इनके बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं उनका नंबर आपको चेक कर लेना है, और उनको फिर कोष्टक में है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कॉमा लगाते हुए, ओके। एंड देन फाइनली जो है आपको लिखना है कि कितने नंबर कार्बन है उस हिसाब से। तो ये था पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, ओके, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सात, ये आपका आठ नंबर कार्बन, ठीक है। तो ओवरऑल कितने कार्बन है, आठ कार्बन है। तो हम ये सॉरी 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 आठ नहीं है, सात ही है ना कार्बन, तो एक मिनट चेक करने दो। 1 2 3 4 5 6 7 सेवन ही तो है, ठीक है, सेवन कार्बन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेप्टेन, ओके, बस सेवन कार्बन के लिए लिखेंगे हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 और ये सेवन, ये हो जाएगा हमारा हेप्टेन, क्लियर। इसी तरीके से आपको ये वाले जो है इसका भी होमवर्क में आपको लिखना है इसको, और इसके बाद जो है वो ये वाला मैं करवा देती हूँ 13 नंबर, और ये 14 वाला भी आपको होमवर्क में करना है। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, ओके। चलो ये 13 वाला देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सेम ही रूल फॉलो करना है। कितने रिंग दिख रही है आपको, ये बीच वाली एक रिंग और ये जो है वो दूसरी रिंग, इधर से जा रहे तो एक रिंग दिख रही है, इधर से भी जा रहे तो दो रिंग दूसरी रिंग दिख रही है। तो साइकिल तो कितने हैं, 22, दो साइकिल है, तो हम लिखेंगे 22 साइकिल, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रिज का काम कौन कर रहा है, दोनों रिंग में कॉमन कौन है, ये वाला कार्बन कॉमन है और ये वाला कार्बन कॉमन है, ओके। इन दोनों कार्बन के बीच में इधर के रास्ते जाएंगे तो कितने कार्बन आते हैं, यहाँ पे दो कार्बन आते हैं, इधर के रास्ते जाएंगे तो कितने कार्बन आते हैं, यहाँ पे भी दो कार्बन है, और यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे भी दो कार्बन आएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे किधर से भी जाए हम दो दो कार्बन मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 2, ओके। एंड देन आपको नंबरिंग तो करनी है, नंबरिंग किस तरह से होगी, अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है बीच में, तो आपको उसी साइड से नंबरिंग करनी है जहां से आपके पास कोई भी ग्रुप नजदीक पड़ता है या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक लगता है, ठीक है। जिसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है वो नजदीक लगेगा सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई ग्रुप, तो उधर से आपको फर्स्ट नंबर लगाना है, ठीक है। तो किस साइड से हमारे पास ज्यादा कम से कम नंबर मिलेगा एल्किन को, तो इधर से जाएंगे तो एल्किन को कम से कम नंबर मिलेगा, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 7 और ये फिर हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पे लिख दिया हमने टोटल आपके क्या कहते हैं कार्बन कितने हैं, 8, तो हम लिखेंगे ऑक्ट, ठीक है। और फिर टू नंबर कार्बन पे क्या है, इस टू नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे ऑक्ट टू ईन, ऑक्ट टू ईन, बाई साइक्लो 2 2 2 ऑक्ट टू ईन, ठीक है। तो इस तरह से इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर होता है। बाकी आपको मैंने जो भी एग्जाम सॉरी होमवर्क में दिए है ये आपको खुद करना है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ओके, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है उनके, ओके।